नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 13 अगस्त का एपिसोड हो चुका है। यहां पर कुछ मैच और एक टाइटल चेंज देखने को मिला, दो बड़े सेगमेंट देखने को मिले और साथ ही समर स्लैम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिले। ऑल ओवर स्मैकडाउन का यह एपिसोड ठीक ठाक रहा। हालांकि हमने जितनी उम्मीदें स्मैकडाउन के इस एपिसोड से लगाई थी, इतना खास यह एपिसोड नहीं रहा। हमें लग रहा था कि समर स्लैम के लिए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के इस एपिसोड से ज़बरदस्त बिल्डअप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उतना खास कुछ भी नहीं देखने को मिला। हालांकि समर स्लैम से पहले अभी स्मैकडाउन का एक और एपिसोड होना है, तो हो सकता है कि WWE ने ज़्यादातर चीज़ें स्मैकडाउन के उस एपिसोड के लिए बचा कर रखी हों। लेकिन इस वीडियो में हम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हुए जॉन सीना और रोमन रेंस के स्टार्टिंग सेगमेंट को हिंदी में कवर करेंगे, तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के किक ऑफ शो की शुरुआत की जॉन सीना ने। जॉन सीना यहां पर ऑडियंस का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि स्कूल दोबारा खुल चुके हैं और अब समय है रोमन रेंस को उसका रिपोर्ट कार्ड देने का। रोमन रेंस को डी ग्रेड मिलना चाहिए, डी यानी डिसअपॉइंटमेंट। WWE 10 सालों से रोमन रेंस को सेल कर रही है, लेकिन उसका रिजल्ट सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन मैं यहाँ पर समर स्लैम में रोमन रेंस को एफ ग्रेड दूंगा, एफ यानी फेलियर। जिसके बाद रोमन रेंस का म्यूजिक बजा। रोमन रेंस यहाँ पर बड़े आराम से और पूरी शान से धीरे धीरे रिंग में आते हैं। फिर जॉन सीना रोमन रेंस और पॉल हेमन को ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ ही रोमन रेंस को रिंग में आने के लिए धन्यवाद भी देते हैं, जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो और सीधे मुद्दे पर आओ। फिर जॉन सीना कहते हैं कि रोमन रेंस, तुमने रिंग में इतनी चोट से एंट्री ली और धीरे धीरे आए जैसे यह कंपनी के मालिक तुम हो, और यह शो, यह एरिना सब कुछ तुम्हारा खुद का है। जॉन सीना ऑडियंस की तरफ हाथ करते हुए कहते हैं कि सबको पता है कि यह लोग कंपनी को चलाते हैं, और यहाँ पर जॉन सीना ने बातों ही बातों में रोमन रेंस की काफ़ी बेइज्जती कर दी, जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि जॉन सीना, तुमने पिछले 20 सालों में जो अचीव किया उसके लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, तुम हर चीज़ में अच्छे हो, लेकिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। साथ ही रोमन रेंस बातों ही बातों में निक्की बेला और जॉन सीना के ब्रेकअप को लेकर जॉन सीना की बेइज्जती करते हैं, जिस पर जॉन सीना कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम पुरानी बातों को लेकर मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन भूलो मत कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया गया है। पहले तुम्हें द शील्ड प्रोटेक्ट करती थी, उसके बाद डीन एम्ब्रोज अकेले तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। तुमने उन दोनों की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और फिर तुम्हारी वजह से डीन एम्ब्रोज को WWE छोड़नी पड़ी। डीन एम्ब्रोज का नाम सुनते ही ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा चीयर किया। लोगों की एक्साइटमेंट और रिएक्शन वाकई देखने लायक थे। डीन एम्ब्रोज के WWE छोड़ने के बाद यह पहली बार था जब उनका नाम किसी ने ऑन टीवी WWE की रिंग में लिया। आगे जॉन सीना कहते हैं कि समर स्लैम में बस एक ही चीज़ होगी, 1, 2, 3 और मैं बन जाऊंगा 17 टाइम WWE चैंपियन। जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि जॉन, ये तुम्हारा मिथ है कि तुम मुझे हराने वाले हो, क्योंकि समर स्लैम में मैं तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा। जिस पर जॉन सीना पॉल हेमन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं कितनी भी मार खा लूँ लेकिन कभी हार नहीं मानता। समर स्लैम में तुम मुझे सुपरमैन पंच पर सुपरमैन पंच मारोगे और स्पीयर मारोगे, लेकिन अंत में एक ही नतीजा निकलेगा, वो है 1, 2 एंड 3 और मैं साबित कर दूंगा कि तुम WWE की हिस्ट्री में सबसे बड़े फेलियर हो। फिर जॉन सीना यहाँ से चले जाते हैं और वाकई यह सेगमेंट देखकर मज़ा आ गया। जहाँ तक मुझे याद है कि यह इस साल का सबसे बेस्ट सेगमेंट है, और इस सेगमेंट को देखने के बाद अब समर स्लैम के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुका है। अगर आपने इस सेगमेंट की ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर ज़रूर देखें। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।